तो सरकार नहीं मंत्री वही। जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आई, मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। अब किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, उससे भी संशय साफ हो गया। क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे का जिक्र करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई दिखाई दी। जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें थी उन मंत्रालयों से इस पूरी सियासी कहानी की शुरुआत करते हैं। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, नंबर टू पद माना जाता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय बना रहेगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, बड़ा दिलचस्प है पहलू, 2014, 2019 और अब 2024 एक ही मंत्रालय। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय। अब इसके बाद एक और बड़ा चेहरा एस जे शंकर, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। लेकिन अब एक और चेहरा आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो भी बेहद दिलचस्प पहलू है सियासत का, मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय, मुख्यमंत्री के पद से हटाया और फिर उसके बाद अब केंद्र की सियासत। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दो दो बड़े मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब जितिन राम मांझी एमएसएमई, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। अजय टमटा उत्तराखंड से आते हैं, अल्मोड़ा से सांसद बने, तीसरी बार चुने गए, परिवहन राज्य मंत्री का जिम्मा इनको मिला है। धर्मेंद्र प्रधान देश के नए शिक्षा मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण विभाग, मनसुख मांडविया, श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। लेकिन अब जो चेहरा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और वो चेहरा आपकी स्क्रीन पर, अश्वनी वैष्णव, रेल और सूचना मंत्रालय इन्हें दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसके लिए जेडीयू जी जान से लगा था। खबर यही है, अश्वनी वैष्णव। तो धीरे धीरे नाम और नाम सामने आने के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी ने अधिकांश उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया जो पहले मोदी कैबिनेट टू में थे, अधिकांश वो चेहरे जिन्हें मंत्रालय दिया गया। अब एक और चेहरे का भी जिक्र कर रहे थे, चिराग पासवान एकाएक बिहार की सियासत में बड़ा नाम उभर के सामने आए, चिराग पासवान, खेल मंत्री का इन्हें जिम्मा दिया गया है। लेकिन जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, गजेंद्र शेखावत संस्कृति मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। अब ये सियासत के नजरिए से इन फैसलों को देखें और समझें, जो विभाग बांटे गए उसमें एक और स्थिति साफ निकल के सामने आती है, जैसे कि किस राज्य के कितने मंत्री बने, उसमें यूपी एक महत्वपूर्ण है राज्य, 10 मंत्री यहां से बनाए गए, यानी यूपी का दबदबा कायम रहा। यूपी की सियासत को समझने वाले इस फैसले के पीछे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। भले ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई, लेकिन हार कर भी बीजेपी ने 10 मंत्री उत्तर प्रदेश से दिए, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा राज्य भी है। बिहार 8
महाराष्ट्र से 6 मंत्री, गुजरात से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से 5-5 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जबकि हरियाणा का जिक्र कर लीजिए, आंध्र प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, झारखंड का जिक्र कर लीजिए, बंगाल का जिक्र कर लीजिए, तेलंगाना का, असम का, 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन दबदबा रहा उत्तर प्रदेश का। अब आते हैं पीएम मोदी के फैसले पर, क्योंकि काम संभालते ही पीएम ने कुछ बड़े फैसले लेने का जिक्र किया था। उसमें फैसला यह लिया गया कि पीएम आवास योजना के तहत अगले टारगेट को रखा गया है, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, यह टारगेट रखा गया है। नए घर में बिजली और एलपीजी कनेक्शन, और 10 साल में आपको बता दें अब तक लगभग 4,21,00,000 घर बनाए जा चुके हैं, कमोवेश इसके आसपास ही आंकड़ा है। तो अब एनडीए ने जो मंत्रालयों का बंटवारा कर लिया है उसमें सहयोगियों को क्या मिला, वो भी एक दिलचस्प सवाल है। और आज इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होगी चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको कुछ राजनीतिक बयान सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। तो 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। और जब कल हमको जो चाय पी बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी जो जिम्मेदारी दी गई है निर्णय होगा। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था, और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। तो सरकार नहीं मंत्री, वही सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इन फैसलों के पीछे जो विभाग बांटे गए हैं क्या सियासत झलकती है। हमारे साथ 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रार चल रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के युवा चल रहे हैं, डॉक्टर दुबे जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और हमारे साथ मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विशेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, फिर राजनीतिक दलों के पास रुख करेंगे। ये जो विभाग बांटे गए हैं, अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एक लंबी लिस्ट आ चुकी है सामने, कैसे देखा जाए? अब तक तो सवाल संशय यही था कि भाई इतनी देर क्यों, क्या वजह है, और अब पर्दा उठ गया है, किस तरह से देखते हैं इस मोदी कैबिनेट को आप? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि नो किचकिच नो खिचकिच, ओनली डेवलपमेंट की बात, एक्शन प्लान तेजी से लागू करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई दबाव में नहीं आना है, सीधे सीधे ऐसा लगना चाहिए कि सरकार को कोई ब्रेक लगा ही नहीं, सरकार को कोई झटका लगा ही नहीं, बस रफ्तार से मानो जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसमें कमर सेंट है। अब मानो नितिन गडकरी है, निर्मला जी है, पीयूष, आपने जिक्र किया, ये धड़ाधड़ अपना काम ऐसे करेंगे जैसे सालों से करते चले आ रहे हैं। इसका फायदा ये मिलेगा कि कोई जर्क नहीं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं,
नीचे सेक्रेटरी से असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी से कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं। लेकिन सहयोगियों पर क्या मिला ये भी तो सवाल होता है साहब। अभी अब एक मैं एक पूर्वत करूं तो पहली बात ये है, अभी जो मोदी जी का विजन इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है वो ये है कि काम में कोई डिले नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता है, धर्मेंद्र प्रधान ये नहीं कह सकते कि सर मेरे को तो नया मंत्रालय मिला मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम लगेगा। नहीं भाई साहब, टाइम नहीं चाहिए, डेडलाइन पे काम करके देना है, वो मेंटेलिटी लगा दी गई है। इसीलिए किसी के विभाग ज्यादातर बदले नहीं गए। रेलवे अश्विनी को है तो अश्विनी को ही रहेगा, ताकि भैया जो टाइम लाइन है वंदे भारत की, जो नए स्टेशन चमका रहे हो चमकते जाए, टाइम पे कोई छूट नहीं मिलेगी। ये एजेंडा है। अब आते हैं सहयोगियों को। देखिए सहयोगियों को क्या मिला ये भी बहुत तय नहीं हुआ है, और धीरे धीरे हो भी जाएगा। नहीं क्योंकि कहा नो चिक चिक नो चिक चिक, तो फिर सहयोगियों को तो मिल जाना चाहिए था ना। मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए दो बार कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपने रेल मंत्रालय का जिक्र किया था, अश्विनी वैष्णव को जो जिम्मेदारी है उस पर तो जेडीयू की भी नजर थी, और यह माना भी गया सियासत में कि भैया बिहार के लोग रेलवे मंत्रालय। तिलक भाई इसका स्पष्ट मतलब यह है कि भाजपा अपने विकास की गति को मेंटेन करना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुमत से 20-25 सीटें कम है, वो कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि कोई दबाव नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल कोई दबाव दिखाई नहीं दे रहा। उनको विशेष पैकेज मिल सकता है, उनको उनके क्षेत्र के लिए धन मिल जाएगा, उनके क्षेत्र में आपको हॉस्पिटल लगाने लगाओ, आपको नई रेलवे बिछानी बिछाओ, सड़क बनानी बनाओ, लेकिन मंत्रालय दे के आप मलाईदार मंत्रालय बन मिलेंगे इस बात की संभावना कम लग रही है। नहीं मलाईदार मंत्रालय क्या होता है गुप्ता जी? पर ये अरे वाह, ये प्रश्न मेरा होता था। अब तक हम पिछले 30-35 सालों में जितना मेरा अनुभव है, हम यही देखते थे मंत्रालय के नाम पर मलाईदार मंत्रालय होता था। तो मलाईदार मंत्रालय वो होता है जिसमें लालू यादव जी खुद रेल मंत्री होते थे, कोई कर्मचारी अपनी 4 बीघा जमीन उनके बेटी के नाम दान कर देता था और उसके परिवार में बेटे को नौकरी मिल जाती थी, वो मलाई चट जाती थी ऊपर ऊपर के नेताओं के बेटे। तो ये मलाईदार मंत्रालय है, ये मलाईदार मंत्रालय है। ठीक, आप ही की बात के इर्द गिर्द में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं तो फाक रखते हैं, नो चिक चिक नो खिच खिच, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी वही जिम्मेदारी अब भी, इससे झलकता है कि सरकार दबाव में नहीं है, आपकी राय। तिलक जी आप सभी को प्रणाम जी। पहली बात तो सर जो है अभी जो बात कर रहे थे आपने शायद कहा था राजनीतिक विश्लेषक, तो सुन नहीं पाया था, लेकिन बातें तो उनकी सब पूरा भाजपा प्रवक्ता वाली बात कर रहे हैं, तो विश्लेषण क्या किया सर हमारे समझ में नहीं आया। तो विश्लेषण क्या किए आप बता रहे हैं, मलाईदार साहब सर जो है उनके सहयोगी जी मोदी जी रखेंगे और या तो भाजपा रखेंगे, मतलब गजब बात करते हो भाई आप लोग। ये मलाईदार मतलब मलाई सिर्फ एक आदमी खेलेगा, मतलब भाजपा ही खेलेगी, ये गुप्ता जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। दूसरी बात, एक बात आप समझिए सर, मोदी जी को और भाजपा को ये पता है कि ये सरकार नहीं चलने वाली, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी या TDP या अन्य जो सहयोगी हैं जिनके जाने की संभावना सर्वाधिक है उनके पास कुछ ऐसी चीजें जाए ताकि उन जो मोदी जी या उसके पहले के जो मंत्री हैं उनके जेल जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए, क्योंकि लूट खसोट तो जम के हुई है सर। अगर नया आएगा जब, अगर जेडीयू का कोई नया मंत्री बनेगा रेल में, तो क्या लूटा है अश्विनी वैष्णव ने और क्या मोदी जी ने लुटवाया है, अडानी रेल कैसे चली है ये पता चल जाएगा ना सर। त्रिपाठी जी रेल खुल जाएगी सर। सर 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 त्रिपाठी जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये तो वही बात होगी ना, चित भी मेरी और पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, कुछ इस टाइप का, क्योंकि आप कल तक कह रहे थे कि ये सरकार दबाव में है। अब भाई जो सरकार दबाव में होगी तो मंत्रालय तो TDP और JDU अपने हिसाब से लेंगे ना कि भाई मुझे यही चाहिए, वही तो बात गुप्ता जी कह रहे हैं। अब यहां से तो ये झलकता है कि ये मंत्रालय को बंटवारे के चक्कर में जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कहीं दबाव ही नहीं झलक रहा। नहीं दो चीजें मैंने कहा ना सर, उनको ये पता है ये सरकार चलने वाली नहीं है, हम ये बार बार कह रहे हैं। आप किसी भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके
हमारे नेताओं का बयान आप देखेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोलेशन नहीं चलेगा। सर मैं आपकी बात मान रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, आप राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसमें मेरी अभी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आप ही की बात पे, सरकार दबाव में कैसे दिखाई दे रही है, मंत्रालयों में तो कहीं झलक ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सर। ये दबाव की बात किसने कही, कौन से कांग्रेस के नेता ने कही आप बताइए मुझे, किसी ने नहीं बोला। हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये चलेगी नहीं सरकार। और एक बात, ये हमारे नेताओं ने बोला है सर, राजनीतिक भविष्यवाणी की थोड़ी सी नाराजगी आपसे है तिलक जी, आपने कहा था कि 4 तारीख को जब डिसीजन आएगा तो मैं जरूर आपके साथ बैठ कर चर्चा करूंगा। आपने अपना वादा उसी तरीके से भूल गए जैसे मोदी जी भूल जाते हैं देने का वादा करके। त्रिपाठी जी, ये मुझे तकलीफ है निजी तौर। त्रिपाठी जी, हो सकता है हमारी टीम ने आपसे संपर्क न साधा हो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आप हमारे दिल में बसते हैं, आप सामने अपनी बात रखते हैं, अच्छा लगता है। 4 नहीं तो 10 तारीख है ना, कई चलने पर मैंने डिबेट के लिए इसलिए मना कर दिया था कि सर के साथ मुझे बैठना है, रिक्वेस्ट सच में मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं राष्ट्र मतलब कई चैनलों पर रिपब्लिक भारत से लिखे इंडिया टीम, लेकिन जो आनंद जो बातें आपके साथ होती है, जो ज्ञान वर्धन होता है और जो जनता की बात आप रखते हैं ना सर, मैं सब कहूं कि मैं दिल से आपका फैन हूं। और सर एक बात मैं और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अंता मनन करे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो ये नहीं चाहते हैं कि पीएमओ जो है शक्ति का केंद्र बने, वो शक्ति स्थापित नहीं करना चाहते, शक्ति लेने के लिए वो समुद्र में जो है स्कूब डाइविंग करने के लिए वहां पूजा करने पहुंच जाते हैं। ठीक, मैं प्रमुख साहब के पास गुप्ता डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट रख दूं, वो कह रहे हैं कि 100 दिन का प्रोग्राम उनका तैयार है, 7 सरकार बन रही है आज, ये 100 दिन का प्रोग्राम पीएमओ में बना या मोदी जी के मोर के साथ बैठते हुए उन्होंने बनाया है, या वीर सावरकर जैसे बुलबुल पे उड़ जाया करते थे उस तरीके से मोदी जी को रात नहीं, उसका उत्तर प्रमुख साहब देंगे, उसका उत्तर प्रमुख साहब देंगे, लेकिन गुप्ता जी जल्दी से गुप्ता जी फिर भाई साहब आ रहा हूँ। स्थिति ऐसी हो गई है मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अंगूर खट्टे। अरे भाई नीतीश कुमार को आप ले जाओ, नायडू को आप ले जाओ, सरकार बनाओ दिखाओ। मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि एक बार राष्ट्रपति एक बार आप मिलके तो आओ, अरे हिम्मत तो दिखाओ, सरकार बनाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं है आपके पास, डरे हुए आपके हिम्मत दिखाई। दिलीप भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 48 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सुनिए तिलक भाई, मैं कहना चाहता हूँ, इनको बोलिए, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस समय वेट कर रहे हैं और विपक्ष में नहीं करना चाहते, जैसे ही विपक्ष ने कोई प्रयास करना शुरू किया फिर ऐसी तोड़फोड़ मचेगी जो लोग याद रखेंगे, इसलिए मोदी जी बहुत बैठे हुए हैं तोड़फोड़ की, सोचों पर लक्ष्य डाल दी जाएगी, प्रशासन मर गया है, सेना मर गई है, लक्ष्य डाल दी जाएगी, तोड़फोड़ की बात छोड़ दो, मतलब शासन बात का राज हो गया है, कि अगर मतलब कोई कोलेक्शन में जाने चाहेगा तो आप तोड़फोड़ कर दोगे, देश में दंगा फैला दोगे। कोलेक्शन में इतनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं है, आपके गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कोई कॉमन विचार रहा है नहीं है, आम आदमी पार्टी आपको छोड़ने चली गई ना, आम आदमी पार्टी ने आपको लात मार कर रखा दिया। एक मिनट झगड़ा मत करिए प्लीज, एक सवाल के साथ फिर मैं प्रमुख साहब और दुबे जी के पास पूरा वक्त उनको, एक बार आपने कहा इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है विपक्ष का, ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ था वो बीजेपी का जारी हुआ था या एनडीए का जारी हुआ था, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। बीजेपी का जारी हुआ था तो फिर वो एनडीए का क्यों नहीं हुआ, एनडीए का भी नहीं हुआ, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसका मतलब वहां भी नहीं था, बिल्कुल सही है। हाँ तो मैं यही, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ विपक्ष ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं रखा, तो अगर एनडीए का घोषणा पत्र है तो मैं आपकी बात मान जाता हूं कि भैया हाँ उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा। तिलक भाई अभी चुनावों को खत्म हुए 10 दिन हुए हैं, एक छोटे से नेता ने, आम आदमी पार्टी के एक छोटे नेता गोपाल राय ने कह दिया गेट लॉस्ट, हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे,
ये स्थिति है, तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं है प्रमुख साहब। एक मिनट प्रमुख साहब रहेंगे आप, प्रमुख साहब को वक्त दुबे जी पूरा वक्त दूंगा क्योंकि बहस नहीं चर्चा। मैं एक बात जानना चाहता हूं प्रमुख साहब, आपने वो लिस्ट आपने भी देख ली होगी, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं एक बार दोबारा से, और साथ में जरा चेहरे भी दिखा दीजिएगा। अमित शाह गृहमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, जयशंकर जो है उनको विदेश मंत्रालय, एक बार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी है, ये तमाम विभाग बांट दिए गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा शहरी विकास शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ग्रामीण, जितिन राम मांझी एमएसएमई, अजय टमटा परिवहन राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, मनसुख मांडविया का हो गया। तो ये लिस्ट जो दिखाई दे रही है इसको किस तरह से देखते हैं आप प्रमुख साहब? इलेक्टर सबसे पहले तो सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और उनके जो दायित्व उनको मिले हैं विशेष रूप से दूसरी और तीसरी बार वालों को विशेष बधाई कि उनके काम के बाद हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भारत के लोकतंत्र में इतिहास भी रचा है और उनके साथ कैबिनेट ने भी इतिहास रचा है। उन सभी को बधाई कि इस तरह से नेहरू के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है बहुत लंबे समय के बाद, और वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से जहां 72 की जरूरत थी वह 92 दिए और 92 के बाद 300 प्लस हुए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आपकी बार एनडीए सरकार नहीं, अब की बार एनडीए सरकार नहीं, पहले दो बार भी एनडीए सरकार रही है। एनडीए सरकार रही है? हाँ बिल्कुल। मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा एनडीए का सहयोगक कौन रहा था सर? देखिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन मैं कभी अलग हट कभी अपनी बात रख देता हूँ। आप उठाकर देख लीजिए, जब हम 300 प्लस थे, जब हम 272 प्लस थे स्वयं भारतीय जनता पार्टी, तब भी हमने एक एक के सरकार के सांसद जो आए थे उनको भी मंत्रालय दिया। नहीं नहीं तो आपने दिया ठीक है, लेकिन एनडीए का संयोजक कौन था? मेरा ज्ञानवर्धन करिए और देश का भी, एनडीए का संयोजक कौन था? देखिए संयोजक और उसे बताने की मुझे इसमें जरूरत नहीं है, मैं अभी फिर आपको दोहरा रहा हूँ। आपकी आप कह रहे हो एनडीए सरकार चल रही थी, संयोजक तो होगा ना कोई? देखिए संयोजक होना सरकार चलना उसकी जरूरत जब पड़ती है, जब 10 वर्षों में कभी आपको जरूरत पड़ी हो। अच्छा तो मतलब संयोजक की जरूरत ही नहीं थी कि आज सरकार चल रही थी कि संयोजक कौन है? संयोजक वो ढूंढते हैं जिनके घर जो है शीशे के दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सहयोगक हुआ करते थे एनडीए के मामले में सर? आपका क्वेश्चन उठा जनता की चौक पर, आपने ये कहा कि नीतीश कुमार की शर्त है, प्रमुख साहब एनडीए के सहयोगक मालूम है आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कौन थे? नायडू की शर्तें हैं, लेकिन आपके सामने तो कोई शर्त नहीं है प्रमुख साहब। मीडिया के माध्यम चाहिए, अच्छा कोई एनडीए आपने कहा मैंने वही बात जो गुप्ता जी से पूछी वही सवाल, आपने कहा एनडीए की सरकार हम पर सवाल उठा रहे हैं, एक सीट के लिए अभी 5 वर्ष और लगेगी, सिर्फ वेंटिलेटर से नीचे आए हैं, अभी वेंटिलेटर से नीचे आए हैं और ज्यादातर सामान्य वार्ड में दवाई खाए, एक सीट के लिए 5 वर्ष लगेंगे, पहले 100 तक पहुंचिए, 99 2 40 को चैलेंज करते हैं, सवाल पर सवाल उठाते हैं। अरे लोकतंत्र भाई सम्मान करिए, जो सम्मान जनता जनार्दन ने दिया प्रमुख साहब, सम्मानित मत करिए, पहले लायक हो जाइए प्रमुख साहब। आपके क्षेत्रीय दल आपसे कहीं मजबूत है, हमारे क्षेत्रीय दल हमारे साथ खड़े, अच्छी बात है, सवाल पूछ लेकिन आपके क्षेत्रीय दल के बगैर आपके कदम नहीं उठा सकते प्रमुख साहब। अलग आपको आईना दिखाते रहे हैं इसलिए कोई आपका क्वेश्चन नहीं बनता। आज सरकार बनी है, तीसरी बार बनी है, इसमें पटल पर भारत का कर बना है प्रमुख सर, कब का सम्मान कीजिए प्रमुख सर, और आने वाले समय का इंतजार कीजिए, डिसीजन शानदार होंगे और पहले से कुछ अधिक प्रमुख सर। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात एनडीए का संयोजक कौन था मैं आपसे नहीं पूछ रहा, नहीं पूछूंगा, मत बताइए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि जो बात मैंने गुप्ता जी से पूछी सवाल गलत तो नहीं था? अगर एनडीए था जैसे आप दावा कर रहे हैं तो एनडीए का अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा, तो आपका जो घोषणा पत्र था उसमें तो सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे थे, वो एनडीए का था या बीजेपी का था? तिलक सर जब सरकार एनडीए के साथ चली है हाँ,
और जब सरकार एनडीए के साथ चलेगी तो इसमें घोषणा पत्र में अलग अलग करने की कोशिश करने की तो सर ये फिर धारणा क्यों कि हम एनडीए सरकार चला रहे थे? देखिए हमने आपको इतना बड़ा तथ्य दिया कि आज हमारे 240 या 42 की आप जो बात कर रहे हैं या हम और 50 पर जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो उससे अलग भी आपको बात कर रहा हूँ, मैं तो ये भी चीज बता रहा हूँ कि एक एक सांसद वो भी राज्यसभा से वो भी हमारे एनडीए के गठबंधन के हिस्सा, फिर मंत्री रहे सरकार में 10 वर्षों से रहे हैं भाई, इससे बड़ा गठबंधन धर्म या इससे बड़ा गठबंधन दुनिया में कहीं देखा आपने? ठीक दुबे जी, देखा आपने प्रमुख साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिनके पास एक एक सांसद भी रहा हमने उनको मंच पर बिठाया, भले ही जयंत चौधरी मंच पर नहीं थे लेकिन वो कह रहे कि हमने सबको सम्मान दिया, मंत्रालय दिया, और ये जो अब लिस्ट आई है वो भी आप देख ही रहे हैं। इनसे ये पूछिए जब आपके पास पूर्ण सत्ता थी 272 का आंकड़ा आपने पार किया था अब तक कितना सम्मान दिया था, इनसे पूछिए। देखिए दुबे जी ने अभी बोलना शुरू किया, एक मिनट बात रख लीजिए। अरे आप सब थोड़ा गाजा कमलनाथ जी का देखने के लिए पता है क्या आपको, याद है या नहीं दुबे जी अपने गिरबा में झाके 3 उंगलियां उठती है प्रमुख साहब, एक बार आपके नेता ने बनाई थी नहीं कर रहे दुबे जी अपनी बात रखेंगे। तो इनसे ये पूछिए कि जब 19 में इनकी पूरी सत्ता आ गई थी, 303 अकेले मिले थे, तो उस वक्त इन्होंने अपने गठबंधन के क्यों साथ नहीं दिया उतना? फिर उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जहां अनुप्रिया पटेल को इनको मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि इनको मालूम था कि 22 में चुनाव है इसलिए लफड़ा हो जाएगा तो भाई थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, पूर्वांचल में स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दूसरा, आज अभी जब उस दिन मीटिंग थी भैया, अनुप्रिया पटेल एक सांसद और जयंत चौधरी दो सांसद, जयंत चौधरी को तीसरी उसमें बिठाया गया। चलो ये भी छोड़ो, कोई बात नहीं है, उनका इंटरनल मैटर है, हमें उनके इंटरनल मैटर में नहीं पढ़ना है, लेकिन शायद आपने भी तिलक जी देखा होगा, वो फोटो आप भी भूले नहीं होंगे कि जब एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं जा रहे थे, तो नड्डा जी आगे बढ़े प्रधानमंत्री जी के बराबर जाने के लिए, अमित शाह जी ने तुरंत उनको पकड़ा और पीछे किया और आगे बढ़ गए। मतलब आप सोचिए कैसी मेंटालिटी है, जब ये अपने अंदर इतना कर सकते हैं तो सहयोगी दलों की क्या स्थिति है? अभी वो पुरानी तस्वीरें तो प्रमुख साहब बता देंगे कि मंच पर क्या हुआ, बाप बेटे के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में, पुरानी तस्वीरों पर चर्चा नहीं करते ना? क्या, अरे नहीं तो है ना उसमें है ना, प्रमुख साहब कह रहे हैं घूम जाएगी अगर मैं चर्चा करूंगा तो, दुबे जी को बात रखने दीजिए ना प्रमुख साहब, एक दुबे जी मेरा सवाल बस इतना था, जो बात आ रही है गुप्ता जी से ही पूछी, जब मैं इनके पास जब मैं इनकी बात शांति से सुनता हूँ तो इन्हें भी सुनना चाहिए, इनसे बताओ सरकार और सत्ता इस भारत में बदली, एक मिनट उनको अपनी बात कर रखने दीजिए, गलत नमस्कार, आप जीते हैं उसके लिए बधाई, लेकिन क्राइम को बढ़ावा नहीं दोगे, दंगा फसाद को बढ़ावा नहीं दोगे, हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो स्वीकार नहीं है न डिबेट में न मंच पे। नहीं हिंदू मुसलमान वाली बात कहां से आ गई यहाँ? नहीं है, अरे सहारनपुर में क्या हुआ था, एक सांसद की जीत में बेटी के कंधे में हाथ मारकर निकल गए प्रमुख साहब, एक मिनट रुकिए ना साहब, क्यों डिबेट में बोल कर रहे हो आप, एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब जब सत्ता में आते हैं ना तो संयम और बढ़ जाना चाहिए, गलत सोच में पड़ गए हैं, एक मिनट पार्टी की है
एक मिनट दुबे जी, मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल वहीं पर है जहां पे मैंने पहला सवाल किया था गुप्ता जी से। आप लोगों ने दावा किया था अभी मंत्रालय बटने दीजिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ लेंगे, आपके कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना किचकित ना किचकित, गुप्ता जी कह रहे हैं। तो उसमें आप देखिए शिवसेना का स्टार्टिंग हुआ, शिवसेना का इनके इनके एक एमएलए एमपी है केरल से, गोपी जी का बयान आया एक कि भाई मैं तो रिजाइन करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लेना है, लेकिन वेट एंड वॉच वाली सुरेश गोपी ने खंडन कर दिया उस बात का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अभी खंडन किया हो सकता कर दिया हो, लेकिन स्टेटमेंट तो आया ना उनका एक, देखिए यही है अभी अजीत एनसीपी में आपने देखा होगा दोनों के विरोधाभास देखिए, तो कहने का मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली धीमे 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 आप सुलगेगी, चिंगारी जब लगती है ना धीमे 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 बड़ा विकराल रूप लेती है। तो आप इंतजार कर रहे हो पड़ोसी के घर में आग लगने का? नहीं नहीं, मैं तो ये शुभकामनाएं देता हूँ इनको कि आप 5 साल चलाइए, एक गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया है, आप 5 साल चलाइए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जनता के हितों के लिए काम करिए, मैं आपके साथ हूँ, अगर जनता के हितों के लिए काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मैं संसद से लेकर सड़कों तक संघर्ष करूंगा करूंगा करूंगा। ठीक, आप प्रमुख साहब दोनों राजनीतिक भविष्यवाणियां त्रिपाठी जी की भी और दुबे जी की कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी 6 महीने से ज्यादा, फिर गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं मतलब आपने कहा कि आग आग भड़केगी, ये कहा नहीं, हाँ मैंने कहा चिंगारी भड़केगी मैंने, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे तो वो कंट्रोल करना आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे तो जाओगे। अच्छा ठीक, प्रमुख साहब जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। डायरेक्टर मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंट्रोल की बात करते हो तो आप उठाकर देख लीजिए 10 वर्षों में कंट्रोल कैसे होता है। दुबे जी ने कई बार जो है हमें इंगित किया है उत्तर प्रदेश देखिए 7 वर्षों में क्या क्या बदला है भाई, आज जो 400+ दंगे करा देते थे आज एक भी दंगा नहीं होता है, एक दंगे पर कार्रवाई होती है, पैर के उठने उठना जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, प्रमुख साहब होता है सीधा और सत्य के साथ होता है, प्रमुख साहब क्रिमिनल कत्ती घेर कर जाता है भाई, प्रमुख साहब उत्तर प्रदेश है, ये मत समझिए कि आपने खुद छीके जो है किसी चालबाजी से या हिंदू मुसलमान का गेम खेलकर या एमवाई समीकरण का गेम खेलकर, प्रमुख साहब मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का आपकी मर्जी चल गई, जब उत्तर प्रदेश वही हो जाए कि उत्तर प्रदेश आप छोड़ कर गए थे, गलत फैली में मत रहना, ना उत्तर प्रदेश के लिए ना देश बदला, जो 10 वर्षों की सत्ता थी उससे कहीं पावर नहीं मिल रहा है और अटेंशन मूड में सरकार काम कर रही है और वो भी तर्क के साथ करेगी, एक एक चीज का हिसाब होगा। सबसे पहले संसाधनों का जिक्र किया है, विकास का जिक्र किया, सबसे बड़ी बात सुशासन, प्रमुख साहब माँ और बहनों की सुरक्षा, प्रमुख साहब आवाज आ रही है नहीं, नहीं आ रही आज, प्रमुख साहब उनकी प्रॉब्लम यही है ये सुनना नहीं चाहते हैं। एक मिनट दुबे जी एक मिनट, सत्ता में सर आप भी थे, आप भी किसी की नहीं सुनते थे, मैं एक बात कह रहा हूँ प्रमुख साहब कि ये आपने जब कहा कि ये दावे और ये वादे हमारे, तो बीजेपी यूपी क्यों हार गई? तिलक सर देखिए ये बड़ा गहन क्वेश्चन है, मैं ये अब मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, आप इसे एक मिनट सुन, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप अयोध्या क्यों हार गए? नहीं नहीं बीजेपी ना तो यूपी हारी ना अयोध्या हारी, अच्छा नहीं हारी, लोकतांत्रिक ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई है तिलक सर, हाँ और ये राजनीतिक जो हार जीत है ना ये कहीं कहीं खेल का हिस्सा है, बीजेपी इसलिए नहीं हारी कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन को इस देश की जनता जनार्दन ने जिसमें यूपी की आज भी अयोध्या अयोध्या उसे 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 उस बहुमत को हमको दिया है। अयोध्या क्यों हार गए? माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने देश में सत्ता चलाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, ये काशी में, काशी में ये वोटों का अंतर, महज कुछ वोटों का अंतर जहां आप ऐतिहासिक जीत हासिल करना चाह रहे थे, लाखों की बात करिए तिलक सर, लाखों की, हाँ 5 लाख का टारगेट रखा था आपने, 8 लाख का, नहीं नहीं कहीं परसेंट जो है 10 लाख, देखिए कई कारण हो सकते हैं अपने अपने अलग, अच्छा कई कारण,
अच्छा ओके ओके जो है थोड़ा आप हो जाता है तो त्रिपाठी जी फिर गुप्ता जी आ रहा हूँ त्रिपाठी जी के लिए कमेंट आया हो जाता है तो वही लाख में आ जाती है त्रिपाठी जी के लिए कमेंट आया त्रिपाठी जी के लिए अब गुप्ता जी बड़ा दिलचस्प कमेंट आया इन्होंने कहा कि किया क्या लाइव में कमेंट आया त्रिपाठी जी आपके लिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पदभार संभालते ही पीएम किसान निधि द्वारा खटाखट 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 खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए पहली कलम से जवाब दीजिए सर वो खटाखट वाली बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी नहीं अच्छी बात है जनता ने उनको मैंडेट दिया है किसान सम्मान निधि पहले से योजना चल रही थी और 2000 की बात कर रहे हैं हम तो 8500 रुपए देने वाले थे और सत्ता में इसी 5 साल में दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम आएंगे और 8500 रुपए महिलाओं को हम देंगे और खटाखट 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 और भाजपा वाले लिखेंगे चटाखट चटा चटाखट और जो मुस्लिम महिलाएं वो लखनऊ में घूम रही थी वो सर मुस्लिम महिलाएं तो सिर्फ आज तक सर आज तक तो कांग्रेस ने नोटिस दिया है उसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं थी उसमें सारे धर्म की महिलाएं थी और वो महिलाएं फॉर्म जमा कर रही थी और आज भी कांग्रेस दफ्तर पर हम फॉर्म जमा कर रहे हैं क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास है कि हम इसी टाइम में सरकार में आएंगे बहुत प्रेम से आएंगे अच्छा फॉर्म अभी जमा कर रहे हो दोगे बाद में बिल्कुल सर सरकार आने के बाद हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं अच्छा ठीक बिल्कुल सर सर जो 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 बात मैंने कहने के लिए बात की थी दो तीन चीजें सर अभी हमारे साथी ने कहा कि 400 दंगे होते थे साथ दंगा करने वाले सत्ता में पहुंच जाएंगे तो दंगा नहीं होगा कोई भी हो अब उसको रिलेट कर सकता है कि कौन दंगे करने वाला होगा सर इन्होंने कहा कि माँ बहन की सुरक्षा आज सर इनका IT हेड अमित मालवीय उसके ऊपर RSS के एक नेता ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और ये महिला सुरक्षा करने की बात करेंगे साहब अपने कार्यकर्ताओं से महिलाओं को बचा लीजिए दूसरे जनता से जाने दीजिए आप अभी BHU में आपके आके सब देखिए मैंने इनको शांति से सुना है रिक्वेस्ट सफाई देंगे या दिग्विजय सिंह पर सफाई देंगे या और नाम गिनवाऊंगा सर आपको त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए प्लीज जी जी सर तो सर ये सर की बात कर रहे थे अभी सर एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है RSS का सरस्वती विद्यालय चलता था उस विद्यालय का प्रिंसिपल पंडित जी है RSS के संघी सर लड़की का बलात्कार कर डाले सर आप के उन मुसदंडों से बताइए महिलाओं सर मैं आज कैबिनेट कैबिनेट मंत्रालय की बात कर रहा हूँ आप कहाँ त्रिपाठी दी आप जा रहे हो सर इन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही थी वो कैबिनेट पर भी आ रहे हैं सर अब बात ये चल रही है कि कैबिनेट के क्या डिसीजन क्या मैंने पहले कहा सर कि वो 100 दिन का जो रोड मैप बना है वो अडानी के हाथ से बन के आया है त्रिपाठी जी अब आपने तमाम मुद्दे उठाए जनता ने जनादेश उनको दे दिया सर सर मैं बता रहा हूँ जनादेश की उसी का विश्लेषण करने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण सर हिमाचल प्रदेश हार गए सर पूरा का पूरा हार गए हम वहाँ पर 70% वोट इनके पास था और हम 30 के नीचे थे सर बहुत बड़ा गैप था सर हमने उस गैप को पाटा है बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं और सर आपके चैनल पर जब मैंने कहा था कि मोदी जी अपना चुनाव बचा ले बड़ा मुश्किल है तब हंसे थे सर पैनल पे वो दिखाने पर 3 घंटे तक अजय राय जी चुनाव में आगे थे उसके बाद वहां पर क्या हुआ है बताने की जरूरत नहीं है वहां पर काउंटिंग रोकी गई काउंटिंग शो की गई गुप्ता जी को जिताया गया गुप्ता जी हंसे थे एक मिनट गुप्ता जी ये जो कैबिनेट और कैबिनेट के बाद मंत्रालय जो फटे यूपी में अभी भी हम लिस्ट देख रहे थे यूपी में अभी भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की बात करते हुए 10 मंत्री दिए और बिहार में 8 महाराष्ट्र में 6 किस तरह से देखा जाए ये संतुलन साधने की जो कोशिश की गई है देखिए संतुलन के कई क्राइटेरिया हैं हाँ। सबसे पहला क्राइटेरिया जातिवार ब्राह्मणों को ठाकुरों को दलितों को ओबीसी को महादलितों को और पिछड़ों को और अनुसूचित जनजातियों को सबको रिप्रेजेंटेशन मिले दूसरा क्राइटेरिया हर स्टेट को रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन मिले तीसरा क्राइटेरिया
जिन स्टेट पर पार्टी फोकस करना चाहती है, जिन पर उनका प्रभाव बढ़ाना चाहती है, वहां रिप्रेजेंटेशन मिले। चौथा, महिलाओं पुरुषों का एक बैलेंस बना रहे। पांचवा, जो पार्टी के खांटी कार्यकर्ता हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, जो पार्टी में अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनको सही पद मिले ताकि विकास के कार्य चलते रहे, डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन पर आगे बढ़े, जैसे निर्मला सीतारमन, जैसे रवनीत मिट्टू। तो ये कई सारे कार्यक्रम क्राइटेरिया है, इन सब में जो क्राइटेरिया सबसे ऊपर है, जो कहीं भी गेम फंसने पर, पेच फंसने पर आगे रहता है, वो है जाति। जाति के बिना इस देश में कोई विधानसभा का चुनाव किसी राज्य में, किसी नगर में, किसी क्षेत्र में नहीं होता, तो ब्लॉक प्रमुख का नहीं होता। तो जाति सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, वो कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, और कोई पार्टी सबको हम जातियों की सियासत नहीं करते। नहीं सर, देखिए करे ना करे मैंने सबको करना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कई बार होता ना, तो अगर सियासत नहीं करते तो जातियों के आधार पर जो मंत्री बनाए जाते फिर बताया क्यों जाता है कि इतनी जात के इतने मंत्री बने, ताकि विपक्षी लोग ना कहें अरे आपने दलितों से किसी को बताया नहीं, ये जाति की बात है। अच्छा, तो विपक्ष को बताने के लिए बताते हैं कौन किस जात का है। बिल्कुल, अरे अभी तो आप देखिए पार्टी की तरफ से आएगा, ये इतने हमारे अनुसूचित जाति के मंत्री बने, इतने हमारे आदि, अब आज बताइए द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा जाता है हमने हमने आदिवासी मुख्य अध्यक्ष क्या बोलते हैं राष्ट्रपति बनाया, हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी कहती है ना, तो कांग्रेस भी कहती है हमने सिख बनाया, हमने 10 साल 15 साल मुसलमान शिक्षा मंत्री बनाए, ये कांग्रेस ही तो कहती है, हमने 20 साल तक शिक्षा मंत्री ऐसा ही बना दिया जो चाहे भले ही हिंदुस्तानी था या नहीं था, मैं तो स्कूल गया नहीं गया, बना दिया। पूर्ण सवाल पे आ रहा हूं कि जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, एक मिनट, लालकिशन आडवाणी थे आगे तुम्हारे चक्कर, चक्कर जी थे लालकिशन आडवाणी इस देश के, लालकृष्ण आडवाणी तो हिमाचल भारत के नागरिक थे, लेकिन जो हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री था वो विदेशी था, ईरानी मूल का था, क्या बात कर रहे हैं आप। अरे अगर बोल बताना हो तो बकवास मत क्या करो, बुलाया करिए मूर्खों को, अरे पता नहीं हो तो बकवास मत करो, इसको यही नहीं पता हो कि कोई किसी दूसरे देश का नागरिक इस देश में कोई जो किसी पद पर नहीं, ईरानी था, ईरानी व्यक्ति था, ईरान का, वो हिंदुस्तान का नहीं था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं था, वो ईरान का था, वो ईरान का था, तुम भी ईरानी हो, बकवास मत कर भैया के पीटू को तेरे, वो ईरानी हो, बिहार की मदद कर रहा भाई, तुम क्या ये नहीं, ये नहीं, प्लीज प्लीज नो छूते ऑडियो नीचे, नो इस तरह की चर्चा नहीं, प्लीज प्लीज इस तरह, त्रिपाठी जी प्लीज प्लीज, गुप्ता जी आप लोगों से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, प्लीज। एक महत्वपूर्ण सवाल, मैं अब प्रमुख साहब के पास जा रहा हूं, मैंने ऑडियो नीचे कर दिया सर, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। मैं एक बात प्रमुख साहब, जिसका जिसको लेकर मंत्रालय आपने बांट दिए, कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा साहब, स्पीकर आप ही का बनेगा या TDP का? देखिए इलेक्शन इंतजार के लिए आपको मीटिंग से पहले ही क्लियर कर देंगे, और टीडीपी ने अपनी नाराजगी जताई है कि वो स्पीकर नहीं तो बाहर से समर्थन करेंगे। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, ये गठबंधन के सभी साथी आपको संतुष्ट मिलेंगे, RJD जो नहीं स्पीकर के पद को लेकर तो उनको खतरा ना, कहीं हमारी पार्टी ना, हमारे सांसद ना टूट जाए, यही वजह है ना कि स्पीकर का पद JDU भी चाह रहा है और TDP भी चाह रहा है, यानी आप पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सब मिलकर एक गठबंधन बना, ये सारे क्वेश्चन यहां से निकल कर आ रहे हैं, हमारे साथी TDP के साथ, JDU के साथ, और जो भी घटक दल के नेता उनके साथ इतना मजबूत समझौता, मजबूती से समझौता है प्रमुख साहब, ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने सांसदों को बचाने के लिए स्पीकर का पद चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। देखिए ये इसका मतलब ये हुआ आप पर विश्वास नहीं है उन्हें, ये मैं समझता हूं, मैंने तो बता दिया, मीडिया का क्वेश्चन नहीं है, विपक्ष ने सब लोगों का नाम लेकर बताया, जो गठबंधन है उसका नाम लेकर बताया आपको अलग अलग, कि उनके क्वेश्चन जो आप कल से देख रहे हैं
उसका सारा जवाब प्रत्यक्ष में आया तिलक सर। एसके दुबे जो बात कर रहे थे, मैं उसी बात पर खड़ा हूँ, जो बात मुझे समझ आए, ये स्पीकर का पद क्यों चाह रहे हैं फिर बताइए ना सर। देखिए कौन क्या चाह रहा है, टीडीपी स्पीकर का पद किसको क्या मिल रहा है, कितना संतुष्ट है, बात वो है। अच्छा संतुष्ट से मुझे याद आया, ये अजीत पवार क्यों नाराज है? कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। ये प्रफुल्ल पटेल ने मंत्रालय लेने से क्यों मना कर दिया? मैं एक चीज और कहता हूँ प्रमुख साहब, जवाब तो दीजिए। मैं ये प्रफुल्ल पटेल ने मंत्रालय लेने से मना क्यों कर दिया? देखिए किसी ने कोई मने नहीं किया सर, आपने सुना नहीं सर, मैंने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, मैं राज्य मंत्री नहीं बन सकता। हो सकता है, देखिए वो अपना मामला उनका क्या है, व्यक्तिगत को जाने में, व्यक्तिगत नहीं सर, महाराष्ट्र की सियासत में ये बहुत बड़ी खबर है। अजीत पवार नाराज हैं, प्रफुल्ल पटेल मंत्रालय नहीं ले रहे, और खबर ये आती है कि भाजपा के सांसद सुरेश गोपी इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, बाद में खंडन भी करते हैं, लेकिन अजीत पवार और गोपी जी दोनों, तो ये सब कुछ इत्तफाक है प्रमुख साहब, जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर सतह पे कि सब शांत है, लेकिन समुद्र के भीतर तूफान है। मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, ये सरकार इतनी मजबूत है कि 272 की जगह 292 300 प्लस की बात कर रहा हूं मतलब, और आप देखिए दिन प्रतिदिन। नहीं, प्रमुख साहब कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तोड़फोड़ करोगे आप? नहीं हम नहीं, फिर अंतरात्मा की आवाज लगाओगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अभी तो आप कह रहे हो कि 300 का आंकड़ा कर देंगे हम। नहीं है, होगी नहीं, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। वो हमने नहीं किए, आपने देखा है कि कितने लोग चाहते हैं कि सरकार से अलग बैठकर भी सरकार मजबूती से चले हम साथ। प्रमुख साहब आप ये सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि जो साथ आएगा ठीक है, वरना फिर हम जो है अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप तो बोल रहे हो कि 300 का आंकड़ा कर देंगे हम। तिलक सर अपनी मर्जी से और जीते हुए माननीय सांसदों की मर्जी से सरकार दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी बड़ा नहीं है, ना कोई छोटा है। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, सरगर्मियां हैं, शिंदे गुट नाराज है, शिंदे गुट नाराज है, कोई नाराजगी नहीं चाहिए। तो फिर ये मंत्रालय को लेकर बवाल क्यों है? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप, मैं कह रहा हूँ कल तक देखिए तो सही, आप क्या होने वाला, आप एक बार क्लियर होने दीजिए। सुबह जब आप सबके लिस्ट पढ़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले देखेंगे, और धनाधन ये जो खटाखट वाला नहीं है, हाँ। इसे नहीं बोलूंगा, धनाधन धनाधन टकाटक टकाटक सारे काम आपको डन मिलेंगे, डन डन। दुबे जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आंकड़ा तो हम हमारे पास है, जो आएगा अंतरात्मा की आवाज भी लगा देंगे, 300 तक पूरा कर देंगे। आप कह रहे हो कि ये बात कुछ है, ये बात सच है कि ये 240 का आंकड़ा 272 पहुंचा देंगे, इसीलिए तो आप ये सोचिए कि इसीलिए तो वो बोल रहे हैं कि भैया स्पीकर दे दो। यही टीडीपी है जिनके लोकसभा अध्यक्ष ने एक वोट से सरकार गिरा दी थी अटल जी की। तुम अपना रखना अपना, अरे फिर देखिए छोड़िए, ये कौन मतलब नहीं है, फलाना क्या है, अमित साहब उनको दुबे जी बोलेंगे, दुबे जी बोलिए, बोलिए दुबे जी। तो इनको, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रवक्ता में ही नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री में ही है कि अपनी बात के आगे किसी की सुनना नहीं है, तो वैसा ही अनुसरण उनके कार्यकर्ता करते हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ ड्रामाबाजी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, उनका इनको मुबारक, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो इतिहास बन गया है कि टीडीपी के बालयोगी जी, जब शायद बालयोगी जी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक वोट से अटल जी की सरकार गिरा दी, वो ही चीज दोबारा रिपीट ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में थोड़ी सतर्क है। ठीक है, होना भी चाहिए, सरकार जो बनाता है उसको अपनी अपनी सुविधाएं देखनी होती है, अपनी शक्ति देखनी होती है, कि कहीं अगर टीडीपी का अगर हमने अध्यक्ष बना दिया तो निश्चित तौर पर ये मान लो कि इंडिया गठबंधन आने में देर नहीं लगाएगा, कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। अच्छा, आप आगे क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, हैं
अभी भी लगता है आपको? अरे क्यों नहीं लगता है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं तो कभी मरती नहीं है यहाँ राजनीति में, तो 100% संभावनाओं का खेल है। बात तो सही कह रहे, संभावनाओं का खेल है, आप क्यों मुस्कुरा रहे? नहीं देखिए, ये बात तो सही कही है जो दुबे जी ने जो बात कही है। और ये स्पीकर के पद को लेकर क्या वाकई विवाद नहीं है? हो सकता है, संभव है, होना भी चाहिए विवाद। मानो जो सहयोगी है उनका आज मौका है तो उन्हें मांगने का अधिकार है। देखिए दो डर हैं, एक डर इस बात का है जो लेजिटिमेट नहीं है, उन्हें लगता है कि बीजेपी छोटी छोटी और पार्टी भी आएगी, मानो उद्धव ठाकरे को ही ले आए तो हमारी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी, ये डर है। लेकिन यहाँ स्पीकर का रोल काम नहीं आता। दूसरा एक डर ये है, मानो उन्होंने टीडीपी को ही तोड़ दिया, या मानो उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को ही तोड़ दिया, ये डर जायज भी है और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और देखिए मंत्री कौन बनाए, राजीव रंजन लल्लन सिंह बने हैं, ये वही लल्लन सिंह है जिन पर नीतीश कुमार को शक था कि ये मेरी पार्टी को आरजेडी को बेच आएंगे, इसलिए उन्होंने आनंद फानंद से इस्तीफा लिया। खुद त्रिपाठी जी, कहां लगता है आपको, कहां खेल हो सकता है जो आप लोगों को उम्मीद है? फाइनल कमेंट जल्दी से, फिर प्रमुख साहब 10 सेकंड आपके। खेल की बातें आप समझिए सर, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी वही है जिनके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ता है और उनकी पत्नी को उससे पूछताछ हो रही थी तो वो रोते हैं सर, आके मीडिया के सामने खपक खपक कर रोते हैं। तो सर क्या वो दिल से बात निकल जाएगी क्या सर? वो दिल से बातें रहती हैं सर, राजनीतिक में समझौते हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी के फैमिली पर अटैक करते हैं, किसी के परिवार पर अटैक करते हैं, तो सर वो दिल में बातें रह जाती हैं। और सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तोड़ फोड़, गुंडई, दल्ले, बाजारगिरी ये करने का सर इतिहास रखा है, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं सर, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई ईरान से आता है, और आके जो है गुंडई करते हैं और जो है नाम बदल लेते हैं, नाम टैग लगा लेंगे सर। अभी सर एक दल्ला निकल कर आया था, टोपी निकाल कर रहा था, ऐसे नहीं, ये सब नहीं, प्लीज मुद्दे की बात सिर्फ। प्रमुख साहब फाइनल कमेंट आपका। मैं ये कह रहा था कि सरकार दबाव में है, जो है प्रवक्ता की तरह बोला प्रमुख साहब, सरकार दबाव में है, सबका और ये सिर्फ प्रमुख साहब का ही रहेगा। प्रमुख साहब सरकार दबाव में है, ये बात कह रहा है। आप कड़ी आवाज में बोलिए, तर्क के साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को बदतमीजी करके सांस दिखाकर डराने की कोशिश ना करें। मिस्टर संदीप सिंह, आपसे कड़ी आवाज, आपसे कड़े डिसीजन, आपसे ज्यादा अच्छी बात रखने की क्षमता रखते हैं लोग, गलत फैली में मत रहिए। प्रमुख साहब मुद्दे पर आइए ना, क्या सरकार दबाव में है? सरकार की तरफ बोलिए, क्या सरकार दबाव में है जिसका जिसका टिप्पणी करते हैं, विधेयक को घुमाते हैं, कौन सा तरीका आपका, किसने परमिशन दिया दुबे जी टिप्पणी करने की? दुबे जी ये कोई बात नहीं है, 10 सेकंड आपके। मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ सबको ऑडियंस से, क्या वाकई सरकार दबाव में, अगर दबाव में है तो दबाव तक क्यों नहीं रहा? किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, लेकिन उससे संयम बरतना चाहिए, थोड़ा मर्यादा वाले शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ये बहस है राष्ट्रीय लेवल पर, बहस जाते हैं लोग आपको, इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ जो दबाव का जिक्र किया जा रहा है, वो दबाव दिख क्यों नहीं रहा सरकार के ऊपर? नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, एक प्रधानमंत्री जी का एक स्टाइल है माननीय मोदी जी का, कि वो हमेशा इस चीज को दिखाते हैं, दिखाने का कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन आप ये साइकोलॉजिकली है, ये किसी आप साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है कि साइकोलॉजी का एक ये प्रॉब्लम रहता है कि कुछ लोगों में ऐसी हैबिट होती है कि वो बाहर से बहुत वो दिखाएंगे और अंदर से वो बहुत डरे हुए होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी परिस्थिति ऐसी है कि बाहर से तो ये दिखा नहीं सकते हैं। जल्दी से जल्दी से, मतलब इनको पता है कि अंदर से मोदी जी डरे हुए हैं, कोई सिम्टम नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कोई घबराहट नहीं, ये इस तरह की एनालिसिस में मेरे ख्याल से मुझे डाउट है। एनीवे ठीक, कोई बात नहीं, अब आने वाले वक्त में स्थितियां साफ होंगी। लेकिन चाचा शिवपाल का भी जरा बताइएगा बाद में दुबे जी, अभी नहीं पूछूंगा कि वो दबाव में है कि नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या आप लोगों का, हाँ वो अभी थोड़ी देर बाद, अभी बहुत कुछ घटना है दुबे जी, है ना, क्योंकि आप दिल्ली आएंगे तो फिर आप नेता प्रतिपक्ष, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो भी सब कुछ है। खैर
बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, गुप्ता जी आपका भी, और दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंत्रालय बढ़ गया, विभाग बढ़ गए, लेकिन अब यहां से सवाल यही कि आखिरकार स्पीकर के पद के लिए कौन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।